Hey guys, welcome to our channel, and we have Intex infrared thermometer. So now you can see this is the box of Intex ThermoFave infrared thermometer, and as you can see on the very top of the box they have written made in India. So the guys, this is the made in India product, and you can see Intex brand logo there, and they have definitely highlighted it made in India. This is a ThermoFave infrared thermometer, नॉन कॉन्टैक्ट एंड नॉन टच. सो आपको कॉन्टैक्ट में आने की ज़रूरत नहीं, आप दूर रहकर भी इसका यूज़ कर सकते हो, और ये 1 सेकंड रैपिड मेजरमेंट देता है आपको. और एज यू कैन सी ऑन द बॉक्स 12 मंथ की वारंटी के साथ आता है. पावर सेविंग ऑटो शट है, फीवर वार्निंग फीचर है इसमें, और लो बैटरी इंडिकेटर भी इसके साथ आपको मिलता है. अब दूसरी ओर देखते हैं यहाँ पर क्या है. यहाँ पर है अटेंशन. तो यहाँ पर कुछ आपकी जो अटेंशन, मतलब कि आपको अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है वाइल यूजिंग दिस थर्मोमीटर. फॉर सेलेक्ट द करेक्ट सरफेस मोड, तो आपको ह्यूमन है या तो फिर ऑब्जेक्ट है, ये दोनों के लिए आपको ये थर्मोमीटर आप जो यूज़ करते हो उसके लिए आपको करेक्ट जो है वो आपको मोड जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा. इसमें लो बैटरी इंडिकेटर भी आता है और इंटेलिजेंट कलर इंडिकेटर भी है. जैसे कि आपको नॉर्मल है फीवर तो ये ग्रीन रहेगा, अगर अटेंशन आपको, अगर यू नीड टू पे अटेंशन तो आपको ये येलो होगा, और अगर हाई फीवर है तो आपको वो ऑटोमेटिकली कलर चेंज करके रेड कर देगा. यहाँ पर कुछ और फीचर्स हैं. यहाँ पर जैसे कि बैकलिट LED डिस्प्ले है फॉर नाइट यूजेज, सिंगल बटन ऑपरेशन है फीवर को चेक करने के लिए, और 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर का मेजरिंग डिस्टेंस आप रखकर फीवर जो है वो चेक कर सकते हो. तो आज के टाइम में, कोविड के टाइम में, ये बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, और ये काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रीजनेबल है, और बहुत ही क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये आती है. जो प्राइस यहाँ पर लिखी है वो है 7,999, पर डेफिनेटली आपको इतनी महंगी प्रोडक्ट नहीं मिलने वाली है. ये आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलेगी. हमारी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप डेफिनेटली उस लिंक से बाय करोगे तो काफ़ी कम प्राइस में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी. कुछ और फीचर्स भी हैं जो यहाँ पर दिए हैं, और वो है कलर ऑफ द एक्चुअल, ओके, स्पेसिफिकेशन और ऑफ जो उन लोगों ने यहाँ पर लिखा है, और मॉडल नंबर लिखा है, और बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इतनी है नहीं खास. चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स कर देते हैं, ओपन करके जो मेन प्रोडक्ट है वो हम दिखाते हैं. सो ये रहा आपका थर्मोमीटर और यूज़र मैनुअल जो बॉक्स के अंदर आता है. सबसे पहले हम देखेंगे यूज़र मैनुअल, यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रीड कर सकते हो. और यहाँ पर लिखा है प्लीज़ रीड द मैनुअल एंड यूज इट करेक्टली. सो आपको पहले यूज़र मैनुअल जो है वो पढ़ना है, लेकिन हम आपको पूरा जो उसका यूजेज है वो यहीं पर दिखा देंगे वीडियो में. और लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी पढ़ना हो तो आप वीडियो को पॉज करके डेफिनेटली पढ़ सकते हो. ये टेक्निकल पैरामीटर्स हैं यहाँ पर जो लिखे हैं, वो है मेजरिंग रेंज और वगैरह वगैरह, जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी है वो ये है. और दूसरी ओर देखते हैं कि क्या है. तो यहाँ पर है स्कोप ऑफ एप्लीकेशन और प्रोडक्ट फीचर्स. तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं, टॉप क्वालिटी इंफ्रारेड सेंसर इसमें आता है, और ग्रेट इन्वायरमेंट एडेप्टेबिलिटी है, और ये काफ़ी जो है वो अर्गोनॉमिक वे में बनाया है, तो आपको हैंडलिंग जो है इसका बहुत ही आसान रहेगा. आपको उसको पकड़ के जैसे भी आपको यूज़ करना है, जैसे कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, या ऑब्जेक्ट हो या ह्यूमन हो, तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी, और जो हैंडलिंग है वो काफ़ी अच्छा है. वार्निंग एंड प्रॉम्प्ट कंटेंट्स यहाँ पर है. दिस प्रोडक्ट इज ओनली फॉर डिटेक्शन एंड नॉट फॉर ट्रीटमेंट. तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए, ये सिर्फ मेजरमेंट के लिए है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं है. इंट्रोडक्शन यहाँ पर है, इंस्ट्रक्शन जो आपको किस चीज़ को इस्तेमाल करना है, इसके यूज़ करना है, तो उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी है यहाँ पर. और डिस्प्ले आइकॉन है यहाँ पर, तो हर एक डिस्प्ले आइकॉन जो आपको दिखते हैं, डिस्प्ले उसका जो है LCD डिस्प्ले है, उसके अंदर जो जो आइकॉन्स आपको दिखते हैं, वो सारी की सारे आइकॉन के जो नाम है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, कि वो कौन सा आइकॉन जो है वो, उसका जो डेफिनेशन है वो भी लिखा है, कि कौन सा आइकॉन किस चीज़ के लिए है यहाँ पर. और कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि है फंक्शन की डिस्क्रिप्शन. तो हर एक की, जैसे कि फैट बटन है, प्लस और माइनस बटन है, वो हर एक की जो है वो क्या फंक्शन करेगी, वो भी यहाँ पर उन लोगों ने यूजर मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है. अब है सेटिंग ऑपरेशन. तो द मेनू F1 और F3, ये जो मेनू है वो किस चीज़ के लिए यूज़ में आता है, आप एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा. हम ये सारी चीज़ें जो है वो आपको वीडियो के अंदर ही बता रहे हैं, तो आपको देखने में आसानी होगी और देखकर उसको इस्तेमाल करने में भी और भी आसानी होगी. आपको पूरा डेमो हम देंगे, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा. और अगर आपको ये थर्मोमीटर अच्छा लगा हो और आपको परचेज करना हो, तो बहुत ही कम प्राइस में आपको हमारे लिंक से मिलेगा, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में डाली है.
अब यहाँ पर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि वार्म प्रॉम्प्ट है कि अगर आपको टेम्परेचर हाई आता है, हाई फीवर है, तो आपको डेफिनेटली ये प्रॉम्प्ट करेगा रेड कलर का, पूरा जो एलईडी डिस्प्ले है वो एलसीडी डिस्प्ले जो है वो रेड कलर का हो जाएगा। अब यहाँ पर है हाउ टू सेटअप, आप फोरहेड टेम्परेचर या ऑब्जेक्ट मोड को आपको अगर सेट करना है तो वो कैसे करते हैं आप, वो इन्फॉर्मेशन है। प्रॉम्प्ट ऑन स्विच सेटिंग, जैसे कि इसमें आपको प्रॉम्प्ट टोन जो है, जो टोन का जो सेटिंग है वो आपको वहाँ पर चेंज कर सकते हो आप। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का सेटिंग है, जैसे कि आपको जो मेजरमेंट है वो सेल्सियस में देखना है, फ़ारेनहाइट में देखना है, वो भी आप चेंज कर सकते हो। वो भी कंप्लीट डेमो के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन है, स्टोरेज मेथड है, ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, आपको कहाँ पर कैसे स्टोर करना है, बैटरी कैसे इन्फिट करनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, हम भी आपको दिखाएंगे। चलिए आप देख लेते हैं कि किस तरह से आप उसे यूज़ करोगे। तो ये है थर्मोमीटर, और यहाँ पर भी हम लोगों ने लिखा है मेड इन इंडिया ऑन द वेरी टॉप, तो दे आर वेरी क्लियर, आपको ये बताना चाहते हैं कि बी वोकल फॉर लोकल, आप मेड इन इंडिया वाली प्रोडक्ट ही यूज़ करें, चाइना वाली प्रोडक्ट यूज़ ना करें। ये उसका फीच है, जो कि वन टच आपको जो है वो उसका फुल्ली ऑपरेशन मिलेगा वो फीच पे। मेजरिंग टाइम है 1 सेकंड, तो ये 1 सेकंड का आपको कंपनी क्लेम करती है कि आपको जैसे ही आप मेजर करने का शुरू करते हो 1 सेकंड के अंदर अंदर आपको वो टेम्परेचर जो है वो दिखा देता है एलसीडी स्क्रीन पर। यहाँ पर आप बैटरी को जो है इन्फर्ट करोगे, तो यहाँ पर 2 बैटरी जो है वो आपको इन्फर्ट करनी रहेगी, और यहाँ पर प्लस और माइनस है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनरली लोग जो है वो मिस्टेक करते हैं और ये जो है वो चलता नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि आपको किस तरह से बैटरी इन्फर्ट करनी है। और चलिए अभी हमारे हाथ है बैटरी हमारे पास, तो चलिए ये जो है आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वाला जो है वो पॉजिटिव है, उसको पहले यहाँ पर पहले वाले में आप उसे इन्फर्ट करिए, और दूसरा जो है वो नेगेटिव आपको रख कर उसे उल्टा इन्फर्ट करना है, ये ध्यान में ज़रूर रखिए आप। तो इस तरह से आप दोनों बैटरी जो है वो अंदर इन्फर्ट करोगे, और फिर ये जो कवर है वो बंद कर देते हैं। चलिए, और आपको ये जो है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है वो इंफ्रारेड डिटेक्टर आप जिस चीज़ का भी मेजर करना चाहते हो उसके सामने रखिए, और नीचे से आपको ये वाली जो मेजरमेंट बटन है उसको प्रेस करना है, और ये जो है आप देख सकते हो एलईडी ऑन हो चुकी है, और आपको मेजरमेंट जो है वो फ़ारेनहाइट में बता रहा है अभी। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो आपको मेजरमेंट है वो करना है। अभी आप देख सकते हो स्माइली वाली आइकॉन है जो कि ह्यूमन के लिए है, तो अभी आप ह्यूमन टेम्परेचर जो है वो मेजर करोगे। चलिए हम हमारे हाथ पर ही आपको ये एक बार ट्राई करके दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने किया है, और टेम्परेचर जो दिखा रहा है वो है 97.9, ये देखिए फिर से एक बार 98.2, तो ये कम्प्लीटली और डेफिनेटली 100% प्रॉपरली वर्क करता है। अब स्माइली को जो है हम चेंज करते हैं, और ह्यूमन में से हम जो है वो ऑब्जेक्ट टेम्परेचर पर उसको रख देते हैं, तो फैट का बटन है वो आपको एक बार प्रेस करना है, और वो आपको ऑब्जेक्ट का आइकॉन दिखा देगा। अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेके, जैसे कि हमारे पास ये है नाइट लैंप, चले उसका हम टेम्परेचर देखते हैं, आप देख सकते हो 85.2, तो ये जो है वो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो मेजर करता है। अब आपको हम दिखाते हैं कि ये आयन है हमारे पास, और देखते हैं कि वो जो हमने दिखाया था आपको कि वो अलर्ट करेगा लाइट को चेंज करके, ये देखिए कपड़ा जो है वो नीचे थोड़ा सा वार्म हो चुका है, तो हम थोड़ा सा उसे और गर्म करेंगे, और फिर देखाएंगे आपको कि किस तरह से ये अलर्ट करता है। ये देखिए हाई लिखा आता है, जैसे ही मतलब ओवर हो जाता है टेम्परेचर, तो बहुत ही ज़्यादा है, तो जैसे ही टेम्परेचर ओवर होता है वो हाई कराएगा। ये देखिए हैंडल जो है आयन का वो दिखा रहा है 97.3, और ऑब्जेक्ट जो है वो ये आयन, उसको हम नीचे से करेंगे तो वो तुरंत ही दिखाएगा हाई में, और वो जो है वो रेड हो जाएगा एलसीडी डिस्प्ले, आप देख रहे हो कि रेड हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा फंक्शन है, आपको बिल्कुल ही मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक ही कलर है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट थर्मोमीटर है जो कि कलर चेंज करके भी आपको वॉर्न करेगा कि भाई टेम्परेचर बहुत ही हाई है। और ये देखिए आप हैंडल जो है वो 99 दिखा रहा है, और नीचे की ओर अगर आप हम थोड़ा सा करते हैं तो ये देखिए 101.8 आता है, थोड़ा सा नीचे और जाएंगे ये देखिए हाई आ गया। तो आप समझ रहे हो कि किस तरह से ये काम करता है, ये देखिए 100.7 भी आ रहा है, और फुल्ली फंक्शनल प्रॉपरली ये जो है वो स्मार्ट थर्मोमीटर हम बोल सकते हैं, और विद इन अ सेकंड, ये 1 सेकंड का कंपनी क्लेम करती है, और विद इन 1 सेकंड ये रैपिड आपको जो है वो टेम्परेचर इसका दिखाएगा।
चलिए अब हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से वो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड वो आपको कैसे चेंज करना है। यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट है, अभी हम उसको चेंज करेंगे। तो आपको क्या करना है कि जो फैट बटन है उसको आपको तकरीबन हाफ मिनट तक उसको प्रेस करना है, तब जाकर यहाँ पर ये डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर F1 लिखा हुआ आएगा। जब F1 लिखा आता है आपको दो बार उसको प्रेस करना है, जो यहाँ पर है F3, और फिर आपको प्लस और माइनस करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो F में से ये फ्री हो गया, मतलब फ़ारेनहाइट में से आप सेंटीग्रेड में आपको ये जो है वो टेम्परेचर दिखेगा। ये देखिए आप, हम हमारे हाथ पर ही इसे सबसे पहले ट्राई करेंगे। लेट इट जस्ट टर्न ऑफ और फिर हम ओके नाउ ये देखिए 36.7 सेंटीग्रेड, और यहाँ पर जो है वो आ रहा है 36.8। तो ये देखिए हम फ़ारेनहाइट में से सेंटीग्रेड में कैसे होता है उसका डेमो भी हमने दे दिया। चलिए अब एक और बार, जैसे कि हमने हॉट टेम्परेचर देखा, कोल्ड टेम्परेचर भी देख लेते हैं। हमारे पास आइस है, ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट टेम्परेचर हम जब दिखा ही रहे हैं तो फिर आपको दिखा दे एक बार डेमो करके प्रॉपरली कि किस तरह से हर एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ये जो है वो मेजर करता है। हमने यहाँ पर फ्रीज में फिर आइस निकाल के रखा है और उसका टेम्परेचर हम देखते हैं कि वो टेम्परेचर कौन सा दिखा रहा है। तो अभी हम इसे फ़ारेनहाइट में रखते हैं और ऑब्जेक्ट में उसको ट्रांसफर करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या टेम्परेचर आता है। ये देखिए 59.8। तो ये जो कोल्ड चीज़ जो हमने ली है, कोल्ड ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये देखिए थोड़ा और करीब जाकर करते हैं फिर 45.5 आ रहा है। तो आप देख सकते हो और भी करीब जाते हैं और ये अब आता है 39.039 फ़ारेनहाइट। जो आइस का जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो ये है। अब एक बार इसका भी देख लेते हैं वापस से, और आप देख सकते हो 85.2। तो आप देख सकते हो कि एकदम ही एक्यूरेट विद इन 1 सेकंड, ये देखिए 44.1 आ रहा है आइस का। तो ये देखिए आप खुद देख सकते हो कि अच्छे से वो जो है वो काम करता है। कंप्लीट डेमो हमने दिया है आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप हमें फॉलो करिए, वहाँ पर भी आप हमें क्वेश्चंस कर सकते हो, हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।